चलिए इस रक्षाबंधन पे भाई और बहन के रिश्ते को और गहरा और मीठा बनाते हैं ये सुंदर सुंदर मीठी मीठी राखियाँ बना के। ये दिखने में जितनी सुंदर है खाने में उतनी ही लाजवाब है और बनाना इसे बिल्कुल ही आसान है। सिर्फ 5 मिनट में घर में रखी हुई 2 से 3 चीज़ों से ये राखियाँ हम आराम से बना सकते हैं। सो हे गाइस, दिस इज प्रीति फ्रॉम स्टोरी ऑफ स्पाइसेस और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं एडिबल राखी। तो उसके लिए सबसे पहले एक कागज़ लेंगे और इस तरीके का कोई भी राउंड कटर मोल्ड कुछ भी लेंगे और पेन से इस कागज़ के ऊपर हम इस तरीके से राउंड शेप बना लेंगे। और दूसरा मैंने इस तरीके का शेप लिया है और इसे भी हम कागज़ पे ड्रॉ कर लेंगे। अब एक बटर पेपर लेंगे और इस कागज़ के ऊपर इसको हम रख देंगे ताकि नीचे का जो शेप है हमें आराम से दिख सके। फिर मैंने डार्क चॉकलेट को मेल्ट करके एक कोन में भर लिया था और ये जो हमारा राउंड शेप है इसके ऊपर हम इस तरीके से आउटलाइन बना लेंगे पहले और इसके अंदर हम पूरा चॉकलेट से भर देंगे। और फिर एक टूथपिक की मदद से इस तरीके से हम उसको इवनली पूरा अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो इस तरीके से एक शेप हमारा तैयार हो गया। अब उसी तरीके से दूसरा जो हमने फ्लावर शेप बनाया था उसको भी आउटलाइन करके इसके अंदर पूरा चॉकलेट से भर देंगे और उसे भी टूथपिक की मदद से इवनली हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो 2 को मैंने डार्क चॉकलेट से बनाया है और तीसरा वाला जो है इसे वाइट चॉकलेट से हम तैयार करेंगे। तो जब आप ये बेस तैयार करें तो एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। जो चॉकलेट है वो थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे, थोड़ा सा इसको मोटा बनाएंगे, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी पतला होगा तो ये तुरंत टूट जाएगा। तो इस तरीके से मैंने तीनों बेस को तैयार कर लिया है और अब इसे हम 5 मिनट के लिए फ्रीज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो 5 मिनट के बाद मैंने इनको रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल लिया है और ये देखिए जो हमारा बेस है, जो डिस्क है, वो अच्छे से सेट हो गई है। तो इन तीनों बेस को हम एक प्लेट में ले लेंगे। अब एक दूसरा बटर पेपर लेंगे और उसके ऊपर इस तरीके से वाइट चॉकलेट की मदद से भाई ये शब्द हम लिखेंगे और इसे भी हम थोड़ा सा मोटा मोटा लिखेंगे, पतला नहीं लिखना है। यहाँ पे आप भाई के बदले अपने भाई का नाम या और भी कुछ लिख सकते हैं। और इन लेटर्स को भी हम 5 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो 5 मिनट के बाद हमारे ये लेटर्स सेट हो गए हैं। तो क्या करेंगे, इस एक लेटर को हम उल्टा करेंगे और उसके ऊपर पीछे जो है ये वाइट चॉकलेट से 2-3 डॉट लगा देंगे और जो डार्क चॉकलेट वाला एक बेस था उसके ऊपर हम इन लेटर्स को चिपका देंगे। फिर इसके नीचे हम एक लाइन बना देंगे। तो वाइट चॉकलेट में मैंने थोड़ा सा पिंक कलर मिक्स कर दिया था तो ये पिंक कलर का बेस तैयार हो गया। तो इसी से लाइन बनाएंगे। फिर इस लाइन के नीचे डार्क चॉकलेट से 4 डॉट्स बनाएंगे और फिर उसके ऊपर मैंने ये छोटे छोटे हार्ट्स को चिपका दिया है और ये एडिबल हार्ट्स हैं। यहाँ पे आपके पास जो भी सामान अवेलेबल हो आप इससे गार्निश कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो इवन कि आप ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी एक राखी तैयार हो गई। तो अब लगाते हैं इसके नीचे हम डोरी। तो एक बटर पेपर को राउंड शेप में इस तरीके से काट लिया है और उसके सेंटर में डोरी को इस तरीके से हम रख देंगे और फिर एक सेलो टेप के टुकड़े से इसको हम फिक्स कर देंगे और फिर इसे हम सीधा कर लेंगे और उसके ऊपर थोड़ी सी डार्क चॉकलेट हम लगाएंगे और हमने जो ये राखी बनाई थी इस राखी को इसके ऊपर हम रख देंगे। तो आप समझ गए ना कि ये पेपर हमने क्यों लगाया है, ताकि आप अपने भाई को राखी बांधें तो चॉकलेट जो है वो हाथ में चिपके नहीं। तो इस तरीके से एक राखी हमारी तैयार हो गई। चलिए दूसरी बनाते हैं। तो हमने जो वाइट बेस बनाया था उसको एक प्लेट पे रखेंगे और उसके ऊपर अगेन जो हमने पिंक कलर का चॉकलेट का कोन तैयार किया था उससे इसके ऊपर हम एक स्वस्तिक बनाएंगे और फिर जो स्वस्तिक के बीच में 4 खाने हैं, जगह है, वहाँ पे वाइट चॉकलेट से एक एक डॉट हम रखेंगे और ये है एडिबल सिल्वर बॉल। तो एक एक हम इसके ऊपर चारों में लगा देंगे। तो देखा कितनी सुंदर लग रही है ना ये वाली राखी। और जैसे हमने आगे वाली राखी तैयार की थी इसके अंदर भी डोरी और पेपर इस तरीके से लगा देंगे। तो ये हमारी दूसरी राखी भी तैयार हो गई। तो चलिए बनाते हैं हम तीसरी वाली। तो जो हमने डार्क चॉकलेट वाला फ्लावर बेस बनाया था उसको प्लेट में ले लेंगे। फिर मैंने बादाम को बीच में से हाफ हाफ 2 टुकड़ों में काट लिया था चाकू से।
तो एक टुकड़े के पीछे की तरफ हम इसमें डार्क चॉकलेट थोड़ा सा लगाएंगे और इसे हम इसके ऊपर रख देंगे। इसी तरीके से जो बादाम के दूसरे टुकड़े हैं उनको भी अरेंज करके इस तरीके से एक फ्लावर का शेप बना लेंगे। फिर इसके सेंटर में भी एक डार्क चॉकलेट का डॉट रखेंगे और उसके ऊपर हम रखेंगे एडिबल सिल्वर बॉल और इसके नीचे भी पेपर और डोरी लगा के इस राखी को कंप्लीट कर लेंगे। और ये हो गई हमारी तीसरी राखी भी तैयार। तो इस रक्षाबंधन पे हम राखी बाज़ार से खरीद के नहीं लाएंगे, लेकिन हम घर पे बनाएंगे। और इतने प्यार से बनाई हुई राखी जब आप अपने भाई की कलाई पे बांधेंगे ना, तो भाई और बहन के जो रिश्ते की मिठास है वो और ज़्यादा गहरी हो जाएगी और ज़्यादा पक्की हो जाएगी। तो इस राखी पे मैं तो अपने भाई को यही वाली राखी बांधने वाली हूँ ताकि हमारा रिश्ता और मीठा और पक्का और गहरा हो जाए। तो क्या आपने डिसाइड कर लिया कि इस राखी पे आप अपने भाई को कौन सी राखी बांधने वाले हो? तो आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा और आप भी मेरी तरह इस राखी पे अपने भाई को ऐसे ही राखी बांधेंगे और इस राखी को और ज़्यादा स्पेशल और ज़्यादा मीठा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये राखी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो बना के अपने भाई को ज़रूर बांधें। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी अपने भाई को ये वाली राखी बांध सकें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और फिर हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो को देखने वाले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन।